कुछ तो है दोनों के दरमियान अम्मी, वरना इतना तैयार श्यार होकर ट्रे सजाकर कौन लाता है। अरे मर्द तो मौके की तलाश में रहता है बेटा, इधर जगह खाली हुई उसके पहलू में, उधर दूसरी औरत ले आता है। एक तो तेरी सोनी गोद भी मुझे हौलाए जा रही है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया उसने तो। अम्मी, अब आप मुझे डराएं तो नहीं, इतना तो इलाज कराया है, अब कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्या करूं मैं। अरे करना क्या है, अपने शौहर को अकेला ना छोड़। लड़ मर मगर वहीं रह। और इस बार अशर को अकेले रहने का मौका फराहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अम्मी। कर दिया अम्मी को अपडेट? जाहिर है उन्हें भी पता होना चाहिए कि उनका दामाद यहाँ पे क्या गुल खिला रहा है। देखो मारिया, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये जो तुम बार बार इल्जाम लगा रही ना मुझ पर, ना चाहते हुए भी मुझे इस बात पर सोचने पर मजबूर कर रही है कि मुझे वाकई दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुमने अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें क्या क्या कर लोगी, तुम रोक पाओगी? नहीं रोक सकती तुम मुझे कुछ भी ऐसा करने से, समझी? माफ करो।